हेलो बच्चों, तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज एक इसके सोशल फार्मेसी के काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि एमसीक्यू का नाता तो अब आपसे वैसे भी जुड़ गया है और आने वाला जो समय है वो एमसीक्यू का ही होने वाला है। हर चीज़ में कोई भी कंपटीशन आप देने जाइए एमसीक्यू, इवन आप लोगों के जो एग्जिट एग्ज़ाम होंगे एक तरह का कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है ना। तो हो सकता है बोर्ड में आप लोगों का परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाए लेकिन एग्जिट एग्जाम में इतना आसान नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए थ्योरी बहुत डीप में पढ़नी है या ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने होते हैं। खैर, ये सब बातें, एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो है, कल मैंने जो है आप बताया भी था कि वर्तिका मैम के चैनल पर मुझे बुलाया गया था, है ना, इंग्लिश की एक क्लास लेनी थी। तो चूंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश में लेकिन फिर भी कोशिश की, उन्होंने स्लाइड बना के दे दी, मैंने सिर्फ डिक्टेट कर दिया। बाद में अपने कम्युनिटी टैब में, अपने चैनल कम्युनिटी टैब में मैंने डाला भी बच्चों को कि सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो एक बच्चे ने सब्सक्राइब किया तो मैंने उसको थैंक्स लिखा, कमेंट है AK सीरीज़ के नाम से, उसने नाम नहीं डाला। तो उसने क्या लिखा, सर थैंक्स बोलने की कोई नीड नहीं है, सर आप हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते हो, क्या हम आपके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते? लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हेटर्स होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट सर हम आपके साथ हैं हमेशा। तो डियर AK सीरीज, नाम नहीं पता आपका, फिर भी दिल से थैंक्स कि मैंने कहा। ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लोग हों, मैंने अगर खुद, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने दिन से, अगर मैं खुद कहता हूँ कि भाई किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऐसा तो नहीं कि पैसे पड़ते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं सुनते हैं। भाई क्या जाता है, नहीं देखना मत देखो, लेकिन एटलीस्ट सर ने कहा है तो सुनना चाहिए। ओके, उस चैनल का लिंक फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जितने लोग भी देख रहे हो उम्मीद करो सारे के सारे सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। आपके सर अगर किसी चैनल पे गए हैं तो पावर दिखना चाहिए कि नहीं, तो ध्यान से। ओके, खैर, तो आज आते हैं सोशल फार्मेसी के एमसीक्यू पे। एमसीक्यू की बात करें, फर्टाइल फेज क्या होता है? फर्टाइल फेज के दिन कौन से हैं? 1st to 8th day, 19th to 28th day, नन या 9th to 18 days। तो जो फर्टाइल फेज होता है, जैसे भाई फेस साइकिल क्या 1 से 28 दिन का साइकिल होता है पूरा। अब इसमें जो फर्टाइल फेज होता है वो कौन सा होता है? तो सही आंसर क्या है, डी, 9 से 18 दिन, 9th to 18th day, ये कौन सा है, फर्टाइल फेज होता है। इस स्टेज में, इस फेज में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करें, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फर्टाइल फेज, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फर्टाइल फेज, कौन सा मेथड है जो फर्टाइल फेज को डिटरमाइन करता है? एक तो भाई कैलेंडर मेथड हो गया, है ना, जो 9 से 18 दिन, 9 to 18 day हो गया, बोथ या वेकिंग टेम्परेचर मेथड। तो जो वेकिंग टेम्परेचर मेथड और कैलेंडर मेथड, ये दोनों मेथड्स होते हैं जो फर्टाइल फेज को डिटरमाइन किए जाते हैं। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, बी आंसर इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, वजाइनल स्पॉन्ज मींस ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू, फैमिली प्लानिंग में जैसे वजाइनल स्पॉन्ज है, मींस ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, फिजिकल मेथड या नन। तो वजाइनल स्पॉन्ज को एज ए फिजिकल मेथड की तरह इस्तेमाल, या मैकेनिकल मेथड की तरह, इसको और क्या बोल सकते हो आप, मैकेनिकल मेथड भी बोल सकते हो। ओके, मैकेनिकल, कुछ बुक में फिजिकल मेथड दिया है, कुछ बुक्स में मैकेनिकल मेथड्स दिया है, बट दोनों ठीक है। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आता है, फिजिकल या मैकेनिकल मेथड, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला डी क्या है, ओरल पिल्स है, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो खूब ज्यादा चला करती थी, एक समय था गाँव वगैरह में, है ना, मीन्स प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओके, तो विच कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, दोनों होता है या कुछ भी नहीं होता?
तो जो मालाडियल की ओरल पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन होते हैं। ठीक, यानी हमारा कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब आपने सोशल फार्मेसी पढ़ी होगी, जहां से भी, मैंने नहीं पढ़ाई है ना, लेकिन अगले साल जरूर पढ़ाऊंगा जब आपके जूनियर्स आ जाएंगे। इस साल शॉर्टेज ऑफ टाइम था, तो जहां से भी पढ़ा आपने, बहुत सारी चीजें ऐसी एमसीक्यू मिलेंगी जो आपको थ्योरी में नहीं क्लियर हुई। एमसीक्यू का यही फायदा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्किप हो जाती है, हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, और देखो एमसीक्यू में वो पूछ लिया जाता है। ऐसे केस में एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाने का फायदा होता है। कई बार ये होता है हमें टॉपिक का अंदाजा लग जाता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि बेसिकली ये किस चीज पे है, लेकिन एक बार एमसीक्यू कर लेते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, वाटर बॉर्न डिजीजेस, इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा या कॉलरा। सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब आप एमसीक्यू लगाओ, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो पहली बार में इतना टाइम तो मैं लेता ही हूं कि आपको पता चल जाए, भाई क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर ऑप्शन पढ़ता हूं, है ना, तो उसके बीच में इतना तो गैप रहता है कि आप खुद से टिक कर सकते हो कि कौन सा सही है, या कॉपी पेन लेके बैठो, 20-25 जो भी क्वेश्चन है, 1 से 25 तक नंबर लिख लो और ABCD लगाते जाओ और देखो, चेक करो कि कितने आपके सही होते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, आपको कुछ नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़ा है तो समस्या बड़ी है, अब पढ़ना शुरू कर दो, है ना, लेकिन पास हो गए कि नहीं इसकी जिम्मेदारी मैं क्या कोई नहीं ले सकता। जिस कॉलेज को आपने 2 लाख रुपए जमा किए हैं वो कॉलेज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता अगर कुछ नहीं पढ़े हो, तो मैं तो फ्री में स्टडी करा रहा हूं, राइट। तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, एक बार पढ़ो आंसर नहीं समझ में आता, फिर दूसरी बार पढ़ो, फिर तीसरी बार देखो समझ में, तीसरी बार में जितने आंसर मैं बताता जाऊंगा मुझसे पहले आप लगा लोगे, इस बात की गारंटी अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो इसमें से वाटर बॉर्न डिजीज जो है आपकी कौन सी है, कॉलरा। कॉलरा क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है। बेसिकली जब भयंकर गर्मी होती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो इस समय कहीं ज्यादा जो है ये हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। इन लीवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, लीवर के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, या लैक्टोज के फॉर्म में? तो लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, यानी हमारा आंसर बी सही है। साथ साथ जैसे मैं एमसीक्यू कराता जाता हूं तो मैं बताता भी चलता हूं कि आपको अप्रोच क्या रखनी है। अप्रोच बहुत जरूरी है। रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम यूनिवर्स इज, कोई डिजीज है ये पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से अगर खत्म कर दी जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? इरेडिकेशन बोलोगे, प्रिवेंशन बोलोगे, एपिडेमिक बोलोगे, या पैंडेमिक बोलोगे? तो रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम यूनिवर्स इज कॉल्ड इरेडिकेशन। इसीलिए गवर्नमेंट इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे मलेरिया का इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया, पोलियो का इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया, है ना, अभी क्या जैसे कोविड का इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया, अभी तो खैर प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, धीरे धीरे करके एकदम से खत्म हो जाएगा, राइट। तो जो पूरी तरह से खत्म हो जाए उसको क्या बोलोगे? इरेडिकेशन। नेक्स्ट है द पॉपुलर IUDs, इंट्रायूटराइन डिवाइस। IUDs मीन्स इंट्रायूटराइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इनको क्या बोलोगे? कॉन्डोम्स होता है, फोम टैबलेट है, क्रीम्स है, या कॉपर्टी है? तो इनमें से कौन सी IUDs हैं? दैट इज कॉल्ड कॉपर्टी, इज कॉल्ड IUDs, राइट, इंट्रायूटराइन डिवाइस, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेम ऑफ विटामिन काजिंग फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी यानी जिसकी कमी हो जाए शरीर के अंदर तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती, मतलब जिसको बोलते हैं रतौंधी हो जाती है। क्या बोलते हैं? रतौंधी, है ना, ऐसे ही कुछ है, ध्यान देना। तो रतौंधी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स रात में सही से दिखता नहीं है। तो विटामिन डी, विटामिन सी, नियासिन या विटामिन ए? तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डी ऑप्शन, यानी विटामिन ए, यानी डी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिम्टम्स ऑफ क्वासरकोर, क्वासरकोर डिजीज का सिम्टम क्या है? इडिमा, हेपेटोमेगैली, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड हेयर लॉस। तो क्वासरकोर
के ये सारे ही सिम्टम हैं, ये सब कुछ क्वासरकोर से हो जाता है। मींस एडिमा भी हो जाएगा, हेपेटोमेगैली भी हो जाता है, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर भी हो जाता है एंड हेयर लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। यानी डी ऑप्शन इसमें भी सही है। नेक्स्ट है, फीचर ऑफ सच फ्रैक्चर इज द बोन ब्रोकन इन सेवरल फ्रेगमेंट और पीसेस। ऐसा जैसे किसी का एक्सीडेंट हो या किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर क्या पीसेज में, बोन पीसेज में हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे? सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर या कम्यूनिटेड फ्रैक्चर। बोन क्या है, टूट गई है कई पार्ट में, तो इसको बोलते हैं डी ऑप्शन कम्यूनिटेड फ्रैक्चर, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गैप है, इज एन इंफेक्शन डिजीज कॉज्ड बाई बॉर्डेटेला पर्टूसिस, गोनोरिया, हुपिंग कफ, लेप्रोसी या कॉलरा। बताओ भाई, बॉर्डेला पर्टूसिस या पर्टूसिस डिजीज भी बोलते हैं बेसिकली, है ना। पर्टूसिस, बॉर्डेला पर्टूसिस तो ठीक है, आपका क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या कॉजिटिव एजेंट बोल सकते हो आप, है ना। लेकिन इसको जो हुपिंग कफ है आपका, कौन सा हुपिंग कफ है, इसको पर्टूसिस डिजीज भी बोलते हैं। मतलब हुपिंग कफ जो डिजीज है हमारी, उसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, बॉर्डेला पर्टूसिस। मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों ने सार्स का बड़ा नाम सुना था, तो क्या होता है भाई सार्स? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, या फिर सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या इनमें से कुछ नहीं, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? सार्स अक्सर सुना है हमने, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इबोला वायरस डिजीज इज टाइप ऑफ। इबोला वायरस काफी समय पहले बहुत नाम सुना था इबोला वायरस का, तो एवियन इन्फ्लुएंजा, वायरल हिमोरेजिक फीवर, प्लेग या वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस। इबोला वायरस से बेसिकली क्या होता है, तो ये टाइप होता है वायरल हिमोरेजिक फीवर का, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस हैज गोज टू थाउजेंड ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड एज ए इमरजेंट वायरस। कोविड 19 का थाउजेंड ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड कौन सा इमरजेंट वायरस था, जब नाम सुना था हम लोगों ने, मर्स, HKUI, OC43 या SARS? तो SARS जो था, दैट इज इमरजेंट वायरस था, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत सारी डिजीज हुई थी, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टीबी डे, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इन इंडिया या इन द होल वर्ल्ड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखो, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है, वहां पे चीज बताई भी है कि वर्ल्ड टीबी डे, तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है एज पर WHO, ठीक, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है, द लास्ट पोलियो केस इन द कंट्री वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम। अपने इंडिया के अंदर बात किया जाए तो जो पोलियो का केस है, आखिरी केस, मींस इसका कंप्लीट इरेडिकेशन हो गया है, आखिरी केस कब रिपोर्ट हुआ था और कहां हुआ था, सॉरी, है ना, कहां हुआ था, कब हुआ था वो भी बता दूंगा मैं। दिल्ली में, उड़ीसा में, गुजरात में या वेस्ट बंगाल में? तो 2011 में, देखो सन ईयर था 2011 में वेस्ट बंगाल में आखिरी जो लास्ट पोलियो का केस था वो रिपोर्ट हुआ था, मतलब आखिरी पेशेंट जो था वो वेस्ट बंगाल में 2011 में पता किया गया था, ठीक, यानी डी ऑप्शन इसका सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमन कॉज्ड बाई स्पिट टोबैको। स्पिट टोबैको है टोबैको जो ऐसे ऐसे करके खाते नहीं, ठोक ठोक के खा लेते हैं, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती भाई? लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, लीवर कैंसर या माउथ कैंसर? खाते कहां है? मुंह में, तो कैंसर कहां का होगा?
भाई खाते हो, जगह जगह थूकते हैं, सिंपल सी चीज है। तो माउथ कैंसर होने का खतरा होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि जो खाते उनको हो ही जाता है, प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी, सीएचसी पीएचसी खूब सुन रखा है ना। तो परपोजिव हेल्थ सेंटर, पेडियाट्रिक हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी या सीएचसी है ना। आप लोगों के अगल बगल में होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसके लिए सही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं किसको, पीएचसी से, कई बार प्राइमरी हेल्थ केयर लोग बोल देते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन बताना जरूरी था। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर कैन हियर। ह्यूमन मींस हम लोगों के कान जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए जो आराम से पीसफुली हम सुन सके बिना स्ट्रेस लिए। 40 से 40,000 हर्ट्ज़ से 20 से 20,000 हर्ट्ज़ से 500 हर्ट्ज़ है या नन है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत आराम से सुन सकता है, ठीक 20 से 20,000 तक आराम से सुन सकता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वॉज डिक्लेयर बाई इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने कब से शुरू किया था, कब डिक्लेयर किया था, 1985, 1983, 1989 या 1988? तो 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम को डिक्लेयर किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल ढांचा है, वो तैयार करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा भाई? तो जाहिर सी बात कहते हैं क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स या बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। कोई जिम वगैरह जाता है दुबला पतला तो कहते हैं भाई हमें बॉडी बनानी, तो वहां वो जो इंस्ट्रक्टर होता है क्या सजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन शेक पियो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी को बिल्डिंग के लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, सिट्रस फ्रूट इज रिच सोर्स या एक्सीलेंट सोर्स किसका है, विटामिन ए का है, विटामिन के का है, डी का है, सी का है? तो सिट्रस फ्रूट किसका है, सिट्रस में क्या है, सी, कैपिटल सी है, बड़ा सी, इसका मतलब ये सोर्स भी होगा, एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन सी का, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम फूड सोर्सेज विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स इन एडिशन टू बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन द फूड आर नोन एज। प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम फूड सोर्स, फूड सोर्स से ही कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जैसे बहुत सारी पिल्स हैं, बहुत सारे शेक मार्केट में मिल रहे हैं, मीन्स है फूड प्रोडक्ट ही हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ही बनाए गए हैं। विटामिन्स की पिल्स आ गई हैं, विटामिन्स प्रोटीन के शेक्स आ गए, सब क्या है अगर बात की जाए तो क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई, एडल्ट्रेंट्स बोलोगे, डाइटरी सप्लीमेंट हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रासिटिकल्स हैं। तो इनका जो करेक्ट नेम है, प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम फूड सोर्स से ही डिराइव होते हैं विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट, विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट इन एडिशन टू बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन फूड आर नोन एज न्यूट्रासिटिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फूड दैट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू इज नोन एज। दिमाग पे जोर दो, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सोचिए कि आप अपने मन से कितने क्वेश्चन कर ले रहे हो, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है, सोशल फार्मेसी तो पढ़ी रखी होगी आपने, तो कितना पढ़ के रखा है ये एमसीक्यू से पता चल जाएगा आपको, कौन कितने पानी में है या कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में करके,
ठीक है, कि कितना आपने बहुत अच्छे से कर लिया। तो फूड दैट हैज नो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू इज नोन एज एडल्ट्रेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन या जंक फूड। तो जंक फूड जो पिज्जा बर्गर खाते रहते हो तो बेसिकली इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम, इतनी होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो एमसीक्यू करने में मजा आया होगा, बहुत सारे एमसीक्यू सोशल फार्मेसी के ही अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमसीक्यू फॉर सोशल फार्मेसी बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पे मजा आया है तो बाकी करके देखना, है ना, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय।